मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में फर्जीवाड़े की मिल रही शिकायतों को लेकर जिला प्रशासन गंभीर नजर आ रहा है। कलेक्टर ने योजनाओं के नाम पर अपात्रों को रुपयों का लालच देकर लाभ दिलाने सहित जोड़ों से अवैध वसूली के मामले में FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। संयुक्त कलेक्टर ओम नारायण सिंह ने बताया कि CM हेल्पलाइन और मीडिया के हवाले से कई शिकायतों की जाँच की जाएगी। इसके अलावा कुछ कतिपय सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी इसमें बड़ी भूमिका होने की शिकायत मिली है। शिकायतों में बताया गया है कि 5,000 रुपये लेकर अपात्र युवक और युवतियों का नाम सामूहिक विवाह में रजिस्ट्रेशन कराया गया है। शिकायत सत्य पाई गई तो प्रशासन अपनी तरफ FIR दर्ज कराएगा। साथ ही इस कार्य में अगर शासकीय कर्मियों की भूमिका पाई गई तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। हाँ, माननीय कलेक्टर महोदय ने तुरंत मुझे BRO साहब के निर्देश दिए हैं कि इसमें जो भी कन्यादान विवाह योजना के अंतर्गत कोई व्यक्ति ने किसी प्रकार से राशि ली हो, क्योंकि ये विवाह पूर्णतः निःशुल्क रहते हैं, शासन के द्वारा पूरे आयोजित किए जाते हैं, इसमें किसी व्यक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार की राशि ली गई है तो उससे संबंध में शिकायत प्राप्त कर उसके विरुद्ध विधि अनुसार कठोरतम कार्रवाई की जाए। कुछ शिकायतें मिली अभी हमको CM हेल्पलाइन पर भी एक शिकायत मिली है और कुछ लिखित में है और कुछ हमने अभी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि हमारे मेरे मोबाइल नंबर और PRO साहब पे डिस्प्ले करें और आपके भी ऐसे शिकायत करता है अधिकतम लोग जिन लोगों से अगर उन्होंने किसी प्रकार किसी व्यक्ति ने या संस्था ने या कोई शासकीय सेवक ने भी अगर राशि ली है तो वो हमको बताया जाए, हम तुरंत उसके विरुद्ध परीक्षण करके और विधि अनुसार कार्रवाई की जाए। कहाँ कहाँ सर शिकायतें मिली हैं? अभी शिकायतें हमको क्षेत्र भगवानपुरा तरफ क्षेत्र मिली है, कुछ बाहर से भी आई है, मैं उसको अध्ययन कर रहा हूँ। एक शिकायत है जिसमें चापड़ लोगों नाम है, एक शिकायत है CM हेल्पलाइन में भी है और इसके अतिरिक्त और लोगों ने अभी मौखिक रूप से कहा है तो जो भी व्यक्ति मैं चाह रहा हूँ लिखित रूप से आकर के वो तथ्यात्मक कथन दे देंगे तो मैं तुरंत कार्रवाई करूँगा। कितने कितने राशि लिए सर लोगों ने? राशि की मात्रा कहीं पे मतलब जो सुनने में आया अभी वो स्पष्ट दे दें उस पर। एक जो शिकायत है उसमें 5,000-5,000 रुपये का लिखा है और एक में 4,000 रुपये का लिखा हुआ है और इसके अतिरिक्त जो भी और शिकायतें आती हैं तो वो हम आप लोग बताएंगे तो हमको रिटर्न में लिख करके दे देंगे या हम कथन दे देंगे। ये भी देखने में आया सर कि जैसे पटवारी या ग्राम पंचायत सचिव की जिम्मेदारी है लेकिन अन्य लोग ही इकट्ठे कर रहे थे फॉर्म में, तो वो मुझे बताइए ना कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से गड़बड़ी कर रहा है, मतलब मुख्य उद्देश्य गड़बड़ी ना होना, अगर कोई व्यक्ति सहायता कर रहा है कोई इशू नहीं है लेकिन कोई व्यक्ति उसको अवैधानिक रूप से किसी व्यक्ति से कोई चीज़ ले रहा है राशि या कुछ कर रहा है तो उसके आप नाम बताइए, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे, मतलब ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। ठीक सर। जनपद पंचायत बड़वा भीकनगांव जनिया सेगांव खरगोन इससे रिलेटेड थे, उसमें सबसे बड़ी चीज ये थी कि जैसे आचार संहिता लगी तो माननीय चुनाव आयुक्त ने निर्देश दिया था कि कोई भी शासकीय आयोजन जो उससे संबंधित हो, चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित हो, उनका आयोजन नहीं किया जाएगा। ये पूरे मध्य प्रदेश में लागू है, उसकी तारतम्य में अपन ने इसको ऑर्डर को जारी करा हुआ था। भ्रष्टाचार की बात आ रही सर इसमें, तो इसमें किस प्रकार सर FIR में निर्देश दिए कलेक्टर को? हाँ, कुछ शिकायत हमको मिली है, CM हेल्पलाइन में भी शिकायत एक है और कुछ लोगों ने भी हमको बोला है कि इसमें संभवतः ये जो सामूहिक विवाह है ये पूर्ण रूप से निःशुल्क होता है और इसमें शासन में अपने सचिव है, पटवारी है और विभाग है, मिल करके जो भी आवेदन पूरी प्रक्रिया करते हैं इसमें किसी प्रकार का किसी व्यक्ति से कोई शुल्क नहीं रहता है। अगर कोई व्यक्ति इसमें किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन के नाम से या कई अन्य मांग से कोई भी शुल्क लेता है तो उसकी तुरंत शिकायतें मेरे व्यक्तिगत नंबर पर 9981472525 और PRO साहब का नंबर जो है वो अभी उस पर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।